और आज हम रामकृष्ण आश्रम मार्ग पे आ गए हैं। पीछे मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही ये रामकृष्ण आश्रम है यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर मूर्ति स्वामी विवेकानंद जी की। और हम आश्रम के अंदर जा रहे हैं। आइए आश्रम में चलते हैं और दर्शन करते हैं। भारत के महान योगियों के दर्शन करेंगे आज। हमारे जीवन में अध्यात्म का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जो कि हमें बढ़ाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अध्यात्म में आगे बढ़ें, ध्यान साधना करें, योग करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। ये आश्रम के अंदर आ गए हैं हम, और बड़ा ही सुंदर आश्रम है। और आश्रम के अंदर आते ही इतनी मन को शांति, सब अपने मन को शांत करने के लिए यहाँ आते हैं। तो आप भी इस आश्रम से जुड़िए और अपने आध्यात्मिक जीवन को और आगे बढ़ाइए। आज हम रामकृष्ण आश्रम में आए हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का आश्रम है। और स्वामी रामकृष्ण आश्रम जो है, ये दिल्ली में है। वैसे तो इसकी बहुत सारी ब्रांच हैं पूरे भारत में, पर इस आश्रम की बात यह है कि ये बहुत सुंदर बना हुआ है और दिल्ली के बीचों बीच है। और सबसे अच्छी बात है, इतनी भीड़ भाड़ वाले एरिए में, दिल्ली में, इतना सुंदर आश्रम बहुत मन को शांत करता है। वैसे तो ये आश्रम बहुत पुराना है, पर मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे कंटिन्यूसली आता हूँ। तो मन को बहुत शांति मिलती है यहाँ पे 5-10 मिनट बैठ के भी। तो आप लोग अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो आसानी से आ सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये आश्रम देखिए कितना सुंदर है, बहुत अच्छा बना रखा है। बिल्डिंगें हैं, ये जो बिल्डिंग है ये मेडिटेशन रूम है, जिसमें मेडिटेशन होता है। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो इतना मन शांत हो जाता है, बहुत ही अध्यात्म की तरफ हमारा जीवन आगे बढ़ने लगता है। आइए आपको थोड़ा सा यहाँ से परिचित करवाऊंगा। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिस है यहाँ पे, जहाँ पे स्वामी जी बैठते हैं। और ये बहुत सुंदर फूलों की क्यारी बनाई हुई है, बहुत सुंदर आश्रम है। और ये साधकों का रूम है, यहाँ पे जो भी विजिटर आते हैं, जो भी साधु संत रहते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। और अब हम धीरे से मेडिटेशन रूम में जाएंगे, पर वहाँ पे हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते हैं, इसलिए कि एक गरिमा होती है अध्यात्म की कि कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जाती। पर हम आपको मेडिटेशन रूम दिखाएंगे, क्योंकि बड़ा ही शांत है। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट भी मेडिटेशन कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। आइए मेडिटेशन रूम में। ये मेडिटेशन रूम है, बहुत ही शांत है। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, मेडिटेशन करते हैं और बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है यहाँ पे आके। श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी भारत के महान योगियों में आते हैं। बहुत ही उच्च स्थान है, और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी, जो कि पूरे विश्व में आध्यात्म को आगे बढ़ाया अपने गुरु के आदेश से। चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। इधर कुछ जड़ी बूटियां भी इन्होंने लगा रखी हैं, कुछ विशेष पेड़ हैं। आपको पता ही है आश्रम के रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। वैसे हमें वीडियो बनाने की अनुमति यहाँ के जो स्वामी जी हैं उनसे परमिशन लेके यहाँ पे वीडियो बनाने की वो कोशिश करी है। हमारी कोशिश यही है कि आप यहाँ पे आश्रम में आएं, विजिट करें और अपने मन को शांत करें, अपने इमोशन को अच्छा करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, ये बहुत ज़रूरी है। तो आश्रम की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, स्वामी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ पे कुछ भाई लोग सेवा कर रहे हैं क्यारियों में, पेड़ पौधों की पूरी सेवा करी जाती है। ये नींबू का पेड़ है, कड़ी पत्ते का पेड़ है और आम का पेड़ भी इधर है। तो कोशिश करें कि आए यहाँ पे और थोड़ा सा समय निकाल के आए। इस आश्रम की खास बात यह है कि यहाँ पे एक एग्जीबिशन हॉल भी बनाया गया है, जिसमें रामकृष्ण आश्रम की सारी सूचनाएं, सारे एग्जीबिशन है। आप यहाँ पे आके आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ से, आश्रम से जुड़ी हुई और स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई सारी सूचनाएं और नॉलेज मिलेगी। हिस्ट्री आपको सारी पता चलेगी इस आश्रम की। तो एग्जीबिशन हॉल भी है यहाँ पे, और बहुत ही सस्ता टिकट है, 40 रुपये का, और भी चलेगी। इसमें आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में जानकारी बताई जाएगी। ये देखिए, हम अब आश्रम के दूसरे भाग में हैं। बहुत ही सुंदर चित्र बनाया हुआ है माता जी का। ये
स्वामी विवेकानंद जी का ऑडिटोरियम है और ये लाइब्रेरी भी है। तो बहुत ही अच्छी पुरानी लाइब्रेरी है और पुरानी से पुरानी पुस्तकें यहाँ पे रखी गई हैं। विजिटर आते हैं और यहाँ पे पुस्तक पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और बहुत सारी पुस्तकें हैं इसमें। और ये आश्रम का पुस्तकालय है जिसमें अध्यात्म से जुड़ी हुई बहुत सारी पुस्तकें, पुरानी से पुरानी पुस्तकें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप यहाँ से आके पुस्तकें भी खरीद सकते हैं। ये पुस्तकालय नहीं है, ये तो अध्यात्म का खजाना है, भारत जागरण। बहुत अच्छी पुस्तक, बहुत सारा ज्ञान। और आज रामकृष्ण आश्रम में आके बहुत ही मन को शांति मिली और कोशिश यही है कि आते रहेंगे।